अनंत जी पहले तो जानना चाहेंगे ये आप हर फिल्म में अलग 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 किस्म की स्टोरी ट्रीटमेंट कहाँ से ढूंढ के लाते हैं एज अ फिल्मी और आई एम सो सरप्राइज। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इंटरनेशनल सिनेमा ग्लोबल सिनेमा ने जो एक क्लास एक क्वालिटी और जो हाइट्स उन्होंने अटेन किए हैं उसकी तरफ उससे इंस्पायर होके कुछ करूं हमारे देश में ताकि बाहर भी लोगों को लगे कि इंडियन सिनेमा हैज़ मैच्योर्ड इंडियन सिनेमा में भी सब्सटेंस है। सो हमेशा मेरी हर फिल्म में यही कोशिश रहती है कि जो सब्जेक्ट मुझे चैलेंज करता है जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है करना और जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि आज तक बनी नहीं है या बहुत कम बनी है या सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है तो वो सोशल ड्रामास वो सोशल इश्यूज लेकर मैं फिल्म बनाऊँ। सो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जो रूटीन फार्मूला है और जो रूटीन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है मैं उसमें अभी घुसना नहीं चाहता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ग्लोबल सिनेमा से इंस्पायर होकर फिल्म बनाऊँ। ऐसे मतलब आपके अनोखे सब्जेक्ट आपके ट्रीटमेंट अनोखी है तो उसके लिए एज एन एक्टर सिलेक्शन प्लस प्रोड्यूसर मिलना कितना टास्क लगता है आपको डिफिकल्ट टास्क? बहुत बहुत मुश्किल। एक्टर्स मिलना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि दिलीप जी और रोहिणी जी जैसे एक्टर्स को बहुत आसानी से समझ में आता है कि जब कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट उनके सामने आता है तो वो उसके बारे में दोबारा सोचते हैं वो ऐसे ही नाकार नहीं करते हैं और मेरी खुशकिस्मती रही कि दोनों ने फर्स्ट रीडिंग में ही हाँ कह दिया। लेकिन प्रोड्यूसर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं दिनेश बंसल साहब मैं उनको दाद देना चाहता हूँ क्योंकि अगर उन्होंने सब्जेक्ट को हाँ नहीं किया था उन्होंने वो इसमें अगर बिलीव नहीं करते तो शायद ये फिल्म कभी बनती नहीं है। सो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे सब्जेक्ट और एक अगर मैं अपने आप को कहूँ एक अच्छे डायरेक्टर के लिए एक अच्छा प्रोड्यूसर मिलना भी ज़रूरी है। आपको नेशनल अवार्ड मिल चुके तो एज एन डायरेक्टर राइटर आपको कितनी जिम्मेदारी लगती है इस चीज़ की? बहुत बहुत जिम्मेदारी क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं और लोग अगर मैं कुछ 19 करूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा फ्रैंकली। मेरा सबसे मैं कहूंगा कि टफ कॉम्पिटिटर या टफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज़ मैं ही हूं और अगर मैं उसको उससे खड़े नहीं उतरूं तो मैं खुद पर मुझे शर्मिंदगी होगी। सो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश भी करता हूं। आप सुलझे हुए अभिनेता भी हैं तो कितना मिस करते हैं एक्टिंग को? अच्छे रोल्स अगर आए तो मैं करने के लिए बहुत हमेशा तैयार हूँ और बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने हाल ही में लेकिन उस रोल की के इंतज़ार में हूँ जो एक बोलते हैं ना कि एक लाइफ टाइम रोल होता है या एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल होता है एक एक्टर के लिए। सो होपफुली वो कभी आए। आता मेरा अली के बाद में क्या कर रहे हैं आप? इसके बाद मैंने एक फिल्म अभी फिल्म शूट की है सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी के ऊपर। फिल्म का नाम है फुले उसमें वो हिंदी में है और प्रतीक गांधी और पत्रलेखा उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उस फिल्म का इंतज़ार है अभी क्योंकि वो अभी कंप्लीट हुई है शूटिंग अब पोस्ट प्रोडक्शन शुरू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।